वाली कार है मेरे डब बत्ती बोर थले काली कार बैठे कार विच मेरे चुनवे जे यार नीए। ओके सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू सॉन्ग पे स्टेटस वीडियो को बनाएंगे। सो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हो ना, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। सो अगर आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। सो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ओके सो वीडियो एडिट करने के लिए ना आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी बीटमार एंड सेकंड पेड की, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको बिल्कुल भी आसानी से इंपोर्ट कर सकते हो। ओके सबसे पहले आपको जो बीटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है वीडियो एडिट करने के लिए। और यहाँ पे एक फोन का नाम है गेम ऑफ स्क्विड, जो आपको नीचे मटेरियल्स वाले लिंक में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सॉन्ग भी मिल जाएगा। आप ध्यान से जो है अपना फोन अपना फोन को डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लेना। तो आई होप कि आपको फोन इंपोर्ट करना आता ही होगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले ना आपको यहाँ पे आना है। ओके बिटमार्क में ही आपको कहीं पर भी प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है, एक फोटो को आपको सिलेक्ट कर लेना है अपना फोल्डर सेलेक्ट करके। ओके तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको अपनी फोल्डर दिख जाएंगे। तो जो भी फोल्डर में आपका फोटो है, पहले यहाँ पर आप अपनी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना और किसी एक फोटो को एड करके ऊपर से डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोज एरिया कर लेना और इस फोटो पे आपको चले आना है। इस फोटो पे ये जो लाइन है व्हाइट लाइन, इस फोटो पे लेके आना है एंड शेयर के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे करंट फ्रेम एज पीएनजी में एक्सपोर्ट करना है। सो गाइस, थोड़ी देर वेट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, आपको सेव करके अब इस फोटो को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। सो गाइस, हमने फोटो को क्रॉप कर दिया, फिलहाल उस फोटो को हम साइड में रख देते हैं क्रॉपेड फोटो को। अब गाइस हम 7.12 सेकंड पे आ जाएंगे। ओके एंड प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे, उस फोटो को छोड़ के किसी और फोटो को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करेंगे, इस वाले एरो पे क्लिक करेंगे यहाँ से और फोटो को ट्रिम कर लेंगे। ओके सो फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे, अपनी फोटो को एड करेंगे, ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करेंगे, इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम कर लेंगे। सो गाइस, इसी प्रकार से आपको फोटो ऐड करना है जैसे कि आप लोग दे सकते हो। ओके तो इसी प्रकार से आपको लास्ट आप जितना ही फोटो ऐड होगा यहाँ पे आपको सही फोटोज़ को ऐड कर लेना है। ओके मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी सही फोटो को ऐड कर लेता हूँ आपके सामने, जैसे कि आप लोग दे सकते हो। ओके तो आपको प्लस पे क्लिक कर करके, मीडिया पे क्लिक कर करके फोटो ऐड करके सेम उसी प्रकार से ट्रिम करते रहना है। ओके जिस प्रकार से मैंने आपको बताया। ओके तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने जो सही फोटो को ऐड कर लिया है 14 सेकंड तक। अब आपको शुरू में आ जाना है और यहाँ पे जो एक ब्लू कलर का लेयर है ना, इस पर क्लिक करना है और कलर एंड फिल पे क्लिक करके स्टैक्स पे क्लिक करना है। ओके फिर आपको ऊपर अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है, फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी फोटो को जो आपने फोटो को क्रॉप किया था ना, उस क्रॉपेड फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है, फोटो आपका ऐड हो जाएगा। अब जैसे इतना कर लेंगे, अब यहाँ से आपको बैक आना है, सेकंड फेड प्रीसेट को ओपन करना है और नीचे आना है, पहले वाले फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके नीचे कॉपी इफेक्ट कर लेना और यहाँ से बैक आके बीटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओके एंड स्लाइड करके आपको आगे चले आना है और आगे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है 7.12 सेकंड, यानी कि ये जो फोटो है ना, इसको छोड़ के इसका जो आगे वाला फोटो है ना, यहाँ पे 7.19 सेकंड या ये समझ लो जो हमारा बीट मार्क है 7.12 सेकंड पे। तो पहला इमेज छोड़ के दूसरा इमेज भी आपको इस वाले इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। ओके इस प्रकार से एंड उसके बाद जो फोटो है इसको छोड़ देना एंड यहाँ पे जो सिंगल बीट मार्क है 9 सेकंड पे फोटो है, इस वाले फोटो में इफेक्ट को पेस्ट कर देना, फिर एक फोटो को छोड़ देना 10 सेकंड पे एंड जो 11 सेकंड पे इस वाले फोटो में पेस्ट कर देना। ओके एंड फिर से एक फोटो को छोड़ के एक फोटो में यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो फोटो इफेक्ट पेस्ट करने के लिए आपको इमेज पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। ओके तो जितना भी फोटो सिंगल बीट मार्क के आधार है उसमें आपको पेस्ट कर देना है, फिर यहाँ से बैक आना है, सेकंड फिर प्रीसेट को ओपन करना है और गाइस जो हमारा सेकंड नंबर का इफेक्ट है इसको कॉपी कर लेना है। ओके कॉपी करने के बाद फिर यहाँ से बैक आना है, बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है और बीट मार्क प्रोजेक्ट ओपन करने वाला आपको स्लाइड करके आगे चले आना है। ओके गाइस सो यहाँ पे आपको क्या करना है, जितना भी डबल बीट मार वाला फोटो है ना, इन सभी फोटोज़ में अब आपको इस वाले इफेक्ट को पेस्ट कर देना। सो ये आप लोग देख सकते हो गौर से, यहाँ पे डबल बीट मार्क है तो इसके नीचे जो फोटो है इसमें हम इस वाले इफेक्ट को पेस्ट कर देंगे। ओके सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा गाइस आपको कौन सा इफेक्ट को कहाँ पर पेस्ट करना है। सो ये गाइस यहाँ से फिर आपको बैक आ जाना है एंड से इफेक्ट प्रीसेट को ओपन करना है और यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट ऑल लेयर करना है, नीचे से दोनों इमेज को अनटिक करके ओके यहाँ पर क्लिक करके अनटिक कर लेना और यहाँ पे क्लिक करके इस वाले आइकन पे क्लिक करके कॉपी 7 लेयर कर लेना और यहाँ से बैक आना है, बीटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है और जहाँ पे आपका फोटो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे आपको चले आना है,
और इस बार आइकन पे क्लिक करके पेस्ट सेवन लेयर कर देना है। फिर आपको स्लाइड करके लास्ट में चले आना है और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है। ऊपर का जो सात लेयर है, इन सभी सातों लेयर को स्लाइड करना है। इस वाले आइकन पे क्लिक करके इसका लेंथ लास्ट में लेके आ जाना है। ओके, फिर आपको करना क्या, ऊपर से मतलब टॉप पे जो उसके बाद जो दो सेकेंड नंबर पे लेयर है ना, मतलब ऊपर टॉप का जो सेकेंड नंबर का लेयर है, इस पर आपको इसको स्लाइड करना है ऊपर टॉप का सेकेंड नंबर का लेयर, मतलब सेकेंड नंबर का लेयर को, एंड थ्रोट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना। ओके, तो गाइस इतना करने के बाद फिर आपको ऊपर शेयर का आइकन पे क्लिक करना है, अपनी वीडियो को यहाँ पे सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।